कौन है आप? कब से बुला रही हूँ, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या मैडम, इतनी अच्छी कहानी सुन रहे थे हम और आपने तो बताइए क्या चाहिए आपको? स्टेशन का रास्ता बता सकते हो? स्टेशन का ये जो रास्ता दिख रहा है ना, यहाँ से आप सीधा चले जाइएगा, फिर वहां से लेफ्ट ले लीजिएगा। लेफ्ट लेके थोड़ा चलते ही वहां पे कब्रिस्तान आएगा। कब्रिस्तान के बड़े गेट से आप राइट हो जाइएगा, फिर थोड़ा दूर चलते फिर से लेफ्ट, आ गया आपका स्टेशन। अच्छा, और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? लगभग 45 मिनट से एक घंटा लग जाएगा आपको। एक घंटा? देखिए इतना टाइम नहीं है मेरे पास, 1 बजे की मेरी ट्रेन है, कोई और रास्ता नहीं है क्या? कोई और रास्ता? हाँ, फिर आप एक काम कीजिए, इसी रास्ते से आप सीधा चले जाइए, वहाँ से आप लेफ्ट ले लीजिएगा, वहाँ पे जो कब्रिस्तान आएगा, कब्रिस्तान के अंदर से एक सीधा सीधा रास्ता है, 10-15 मिनट में आप पहुँच जाएंगी स्टेशन। कब्रिस्तान? कब्रिस्तान के अंदर से मैं ऐसे कैसे रात को इतनी अकेले? मैडम फिर आप बाहर से चले जाइए। नहीं जा सकती ना, 1 बजे की मेरी ट्रेन है, और देखो ना आसपास कोई रिक्शे वाला भी नहीं है। मैडम आप चाहती क्या हैं? तुम मुझे छोड़ने आ सकते हो रेलवे स्टेशन तक? स्टेशन तक नहीं मैडम, नहीं हो पाएगा। देखो अगर हम अभी जाएंगे तो तुम वापस आ जाओगे आधे घंटे तक। मैडम आधा घंटा कौन चलेगा बताइए। प्लीज मेरी मदद कर दो, देखो अगर ये 1 बजे वाली ट्रेन मिस हो गई तो कल दोपहर तक मुझे कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, और रात भी तो कितनी हो गई है, तुम साथ रहोगे तो थोड़ा सेफ भी रहूंगी। मैडम देखिए इतना दूर तो हम नहीं चल सकते, बाकी आप देख लीजिए आपको जैसे भी जाना हो। मैं होटल से भी चेकआउट कर चुकी हूँ और आसपास कोई रहने की जगह भी नहीं है, प्लीज। मैडम हम आपकी दिक्कत अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ कौन बैठेगा, इतनी कीमती मूर्तियां यहाँ पे रखी हुई है, बताइए आप। हाँ तो तुम मुझे छोड़कर वापस जल्दी आ जाना। मैडम आप समझ नहीं रही, मैडम ऐसा नहीं होता ना। मैडम इतने में हमारा क्या होगा बताइए। अच्छा अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, आते हैं आपको छोड़ने, चलिए। अभी 500 रखो, बाकी बाद में दूंगी। क्या मैडम इतना भी भरोसा नहीं है क्या हम पे? भरोसा नहीं होता तो तुम्हें साथ चलने को बोलती। चलिए बस एक मिनट। कब्रिस्तान में क्या मरे हुए को मारने वाले हो? चलिए। छोड़ने के लिए आए इसलिए थैंक यू, तुम नहीं आते तो शायद बहुत मुश्किल में पड़ जाती।
वो तो आपने इतना रिक्वेस्ट किया इसीलिए हम आ गए, वरना हम अपना काम छोड़ के आते नहीं। काफी ईमानदार लगते हो, कितने सालों से हो यहाँ? यहाँ तो कितना, बस एक महीना हुआ होगा हमें। ओ, तो इसके पहले क्या करते थे? हम तो बस 3 महीने पहले ही आए हैं, यहाँ आकर काम ढूंढ रहे थे, यहाँ मिला हमने ले लिया। कहाँ से हो तुम और घर पे कौन कौन है? वही गंगा घाट के किनारे बनारस से हैं, घर में माँ है, दीदी है और चुटकी है। बाबूजी तो कब का हम सबको छोड़कर चले गए, तब से घर की सारी जिम्मेदारी हम पे ही है। वैसे आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ अभी किसी जरूरी काम से आई थी और अब रात की ट्रेन पकड़कर वापस। मैडम आप इतनी रात को अकेले क्यों जा रही थी, कोई आया नहीं आपको छोड़ने? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सब तुम्हारी तरह किस्मत वाले थोड़ी होते हैं। वैसे जब मैं आई तब तुम क्या सुन रहे थे? अरे वो तुम रेडियो पे कोई आने को है सुन रहे थे, वो रात में डरावनी कहानी आती है ना, हाँ वही सुन रहे थे। तभी आप अचानक से आई और हम वो थोड़ा सा डर गए। नहीं हमें ऐसे डरवर नहीं लगता, और वैसे भी आजकल की कहानियाँ कहाँ ही डरावनी होती हैं, तो वही सारी पुरानी बातें, बरसात की रात बिजली चली जाती है, एक अकेली लड़की बंद कमरे में जिस अलमारी से खटखट आवाजें आ रही है, बताइए किसे ही डर लगेगा। तो आज इस कब्रिस्तान में इसीलिए मेरे साथ आए हो, वैसी कहानी जीने? लगता है आपकी बातें किसी भूत ने सुन ली। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा तब समझोगे। मैडम आप देखकर तो पढ़ी लिखी लगती है, कहाँ इन भूत प्रेत की बातों में आप विश्वास करती हैं? विश्वास नहीं, पूरा भरोसा है मुझे। मैं समझा नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। अब मेरी कहानी देख लो, आवाज मत करो, कुछ सुन लेगा। मैडम इन मुर्दों के बीच में कौन ही सुनेगा? सुनने वाले आसपास ही हैं, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। बताइए लोगों ने कब्रिस्तान को भी दारू का अड्डा बना दिया है। अच्छा हुआ हम आपके साथ आए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वही जो पहले हो चुका है, आज से ठीक 1 साल पहले मैं इसी कब्रिस्तान से गुजर रही थी, तब एक आदमी नशे में धुत यहाँ आया, शराब की बोतल उसने मेरे सर पर मारी और मैं बेहोश हो गई। मौके का फायदा उठाकर उसने मेरे सारे जेवर चुराए और मुझे इस कब्रिस्तान के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ दिया। मैं आज भी उसे ढूंढ रही हूँ, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। आज 1 साल बाद अमावस की रात को मेरा बदला पूरा होगा। और मुझे कहते हो तुम्हें डर नहीं लगता, मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम सच में बहादुर हो या बहादुर बनने की बातें करते हो। नहीं वो हम समझ गए थे कि आप भूत नहीं है, और वैसे भी कोई भूत आप जितना खूबसूरत थोड़ा ही होगा। बनो मत।
माचिस मत जलाओ, मुझे मेरे चेहरे पे रोशनी नहीं पसंद। ये क्या किया आपने? मैडम जी, मैडम जी, मुझे मेरे चेहरे पे रोशनी नहीं पसंद। चलो, क्या हो गया, कहाँ खो गए तुम? वो हम, आप कहाँ चली गई थी? यही हूँ तुम्हारे साथ। और वो जो आवाजें आ रही थी वहाँ, वो कोई कुत्ता या बिल्ली होगी। चलो अभी। रुको, मैं इतना जल्दी नहीं चल सकती, और वैसे भी यहाँ कितनी शांति है, अच्छा लग रहा है। देखिए मैडम, यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं। आपके पास अगर समय होता तो सामने चाय की टपरी, हम वहाँ चले जाते, लेकिन अब आपको भी देरी हो रही है और हमें भी काम पे वापस जल्दी जाना है, इसलिए चलिए। मत जाओ ड्यूटी पे, मेरे साथ चलो। कहाँ? बिना सवाल किए चल सकते हो, मेरा काम हो जाने तक। कौन सा काम? यही, तुम जैसे आदमियों से मदद मांगना और उन्हें मारकर अपने जैसा बना लेना। क्या लगता, तुमने मेरी सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। कौन सी बात? यही कि मैं मर चुकी हूँ। देखिए मैडम, आप प्लीज ये नाटक बंद कीजिए, वरना हम जा रहे हैं, ये सीधा रास्ता है, आप अकेली चले जाइए। तुम भी मुझे शराबी की तरह अकेला छोड़ दोगे? मैंने तुमसे मदद मांगी ये कहकर कि मुझे 1 बजे तक रेलवे स्टेशन पहुंचना है। 1 तो कब के बज चुके, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे साथ इस कब्रिस्तान में खड़ी। दुकान के पास ना तो कोई होटल था और ना ही कोई बस स्टॉप। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं वहां पहुंची कैसे? देखिए मैडम, हम नहीं जानते कि आप कौन और क्या चाहती हैं, हम तो बस आपको स्टेशन तक छोड़ने में मदद कर रहे थे। ऐसो खेले ना, और तुम तो मुझे चाय की टपरी पे ले जाना चाह रहे थे। मैडम, हम तो बस दोस्ती करना चाह रहे थे, हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। एक लड़की को रात को अकेला देखकर उसका अच्छे से फायदा उठा रहे थे और कह रहे हो कि कोई गलत इरादा नहीं था। पहले पैसे मांगते हो, फिर दोस्ती करना चाहते हो, और अब मुझे कब्रिस्तान में अकेला छोड़ के जा रहे थे। सॉरी मैडम, हम आपको स्टेशन तक छोड़ देते हैं, आप पैसे भी मत दीजिएगा। प्लीज
हमें छोड़ दीजिए, हमारे माँ और बहनों के आगे पीछे कोई नहीं है। प्लीज हमें भगवान के लिए जाने दीजिए, हमने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया। मैडम बाकी बाद में दूंगी।